हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार कड़ी पत्ते वाले राइस। ये बनाने में तो बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आइए, इसके लिए हमें चाहिए राइस। ये मेरे लेफ्ट ओवर राइस हैं, दो अनियन, कड़ी पत्ता, धनिया और हरी मिर्च। एक कढ़ाई में हम लेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, उसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग, काले सरसों डाले हैं मैंने 1.5 चम्मच, उसको अच्छे से क्रैकल होने तक स्टर करेंगे। जैसे ये क्रैकल हो, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्च कटी हुई बारीक, कड़ी पत्ता, 15-20 कड़ी पत्ता है, ये फ्रेश कड़ी पत्ता है, इनको वॉश कर लीजिए और डाल दीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे लंबे लंबे प्याज, इसको अच्छे से पिंक करने तक भून लेंगे। देखिए ये पिंक हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी 5-6 काली मिर्च साबुत, इससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है इसमें कड़ी पत्ता राइस में, आप ज़रूर ऐड करिएगा। जब हमारे प्याज अच्छे से पिंक हो जाए, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, जो भी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मसाले डालिए। मसालों को अच्छे से भून लेंगे प्याज में। अब हम इसमें अपने डालेंगे लेफ्ट ओवर राइस, आप बेशक फ्रेश राइस बना के भी डाल सकते हैं, पर ये मेरे बचे हुए चावल थे उसका बनाया है मैंने। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा मसाले में कोट हो जाए राइस, ये बिल्कुल रेडी है। देखिए मैंने इसमें आधा नींबू डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नींबू डालेंगे इसमें। तो चलिए आइए इसको सर्व करते हैं हम। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया डाला है जिससे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको कर्ड के साथ खाइए, या आपको कर्ड नहीं पसंद तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, पर कर्ड के साथ ये बहुत ही यम और टेस्टी लगते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, मिलती हूँ आपको एक और नई रेसिपी के साथ।